9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। देखिए, आजाद को लेकर के इन दिनों चर्चा तेज हो गई है कि आजाद अपनी पार्टी को क्योंकि ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही भाजपा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम आजाद की बात करें तो जब आजाद पार्टी छोड़ करके गए थे तो यहाँ पर देखा ये जा रहा था कि आजाद के जाने के बाद सब कयास लगा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, वो चले जाते हैं अपनी नई पार्टी बनाने के लिए। लेकिन उनकी नई पार्टी जो है वो इसी साल बनी है, तो उनकी नई पार्टी का जो है अस्तित्व यहाँ पर ज्यादा पुराना भी नहीं है और ना ही पार्टी के अंदर इतने सारे नेता हैं जिनके बदौलत जो है वो आगामी चुनाव जीत सके। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, आलाकमान का चेहरा बदल गया है, राहुल गांधी के अब फैसले नहीं लिए जाते, यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अपने फैसले लेते हैं। तो यहाँ माना ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है आजाद अपना साथ अब खड़गे को दे सकते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती की यारी की कहानी बहुत पुरानी है। तो दोस्ती यारी की कहानी पुरानी है लेकिन पार्टी नई है, तो नई पार्टी को ज्यादा सहयोग करेंगे या फिर अपने पुराने दोस्त को? जब हम इस सवाल की चर्चा करते हैं तो इस सवाल के जवाब में जो जनता का भी यहाँ पर जवाब निकल करके आया, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि यहाँ पर जो है पुरानी दोस्ती की तरफ जो है रुख करते हुए आजाद जरूर नजर आ सकते हैं। देखिये, अगर आजाद अपनी पुरानी दोस्ती की तरफ अगर रुख करते हैं तो यहाँ मुद्दा ये भी आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो है आजाद की ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगी कि वो जो है अपने चुनावी माहौल के बीच में एक अलग खेला कर सकते हैं। देखिए, पार्टी अब इनको खत्म करनी है या नहीं करनी है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के वो पार्टी से बगावत करके आगे बढ़ चुके थे, आज उसी पार्टी में जो है राहुल गांधी का अस्तित्व कम हो गया है, सोनिया गांधी का अस्तित्व हट चुका है, यहाँ प्रियंका वाड्रा की कोई बातें नहीं मानी जाती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम मुद्दे इतने ज्यादा हेरा फेरी हो रहा है तो ऐसे में यहाँ पर जो है आजाद की वापसी होना निश्चित दिखाई दे रही है। देखिए, खड़गे अगर उनकी वापसी करवा लेते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ में चलने के बाद सोनिया गांधी का रिएक्शन क्या होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी को अब आजाद से कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी को अगर आजाद इतने ही प्यारे होते तो वो उन्हें जाने नहीं देती, उनकी जो मांग थी उस मांग को पूरी कर देते, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद आजाद पार्टी छोड़ करके जाते भी नहीं। एक नेता जो 50 साल से पार्टी में था, उसके यूं ही चले जाने से सोनिया गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है सोनिया गांधी बहुत ज्यादा बरस जाएंगी यहाँ पर खड़गे को, क्योंकि उन्होंने ही खड़गे का चुनाव किया, उन्होंने खड़गे को सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने खड़गे को सपोर्ट किया, और ऐसे में खड़गे का सपोर्ट आजाद को मिलता देख यहाँ पर सोनिया गांधी का बौखलाहट आना तो जाहिर सी बात है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर आजाद को लेकर के क्या बड़ी घोषणाएं खड़गे करते हैं, और उन घोषणाओं के बाद सोनिया गांधी की यहाँ पर खड़गे के ऊपर कौन सा चाबुक चलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल, आज के हमारे खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI 9 न्यूज़।